तो दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले तो पता नहीं चल रहा था कि इनको क्यों मार रहा है, और ये भी नहीं पता, पूरे इंटरनेट पे वाह वाह बटोर रहा है क्योंकि क्या है कि एक लड़का दूसरे इंदौर के लड़के से प्यार कर बैठता है। उसके पास कोई रिपोर्टर आई तो गलती से उसका हाथ गलत तरीके से हरियाणा के नू की है, जहाँ पर बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे, और वहाँ पर दिल्ली के अंदर 18 साल से सभी लड़कियों को 1000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाई ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें एक बंदा एक बूढ़े माँ बाप को मार रहा है। पहले तो पता नहीं चल रहा था कि इनको क्यों मार रहा है, और ये भी नहीं पता था कि ये इसके माँ बाप हैं या किसी और के माँ बाप हैं। फिर बाद में जब ये कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गई, लोगों ने देखा, पुलिस तक पहुँची, पता लगाया गया कि ये वीडियो आंध्र प्रदेश की है और ये बंदा अपने ही पेरेंट्स को मार रहा है। क्यों मार रहा है? जो ज़मीन का जो मतलब विवाद चल रहा है कि भाई इसके पेरेंट्स ने 3 एकड़ की ज़मीन इसके बड़े भाई को एक्स्ट्रा दे दी थी, तो उस चक्कर में ये अपने पेरेंट्स को मारने लग गया। बाद में जब इसके पेरेंट्स को बचाया गया, उनसे बात करी गई, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने इसके कहने पर जहाँ पर भी इसने बोला हमने वहाँ पे साइन बाद में कर भी दिए थे, ये फिर भी हमको मारे जा रहा था। अब कहने को पुलिस ने ऐसे बंदे को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अपने माँ बाप को इस तरीके से मारने वाला, मतलब अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने का सोचने वाला बंदा भी ना, उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। मतलब ज़रा देखिए कि अपने पेरेंट्स को कितनी बेरहमी से मार रहा है। और तो और ये जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो कोई छोटा बच्चा ही था, लेकिन आसपास के लोग जो देख रहे थे वो भी कोई बचाने नहीं आया। ऐसे लड़के को, ऐसे बेटे को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाई ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो की वजह से ये 12 साल का बच्चा पूरे इंटरनेट पे वाह वाह बटोर रहा है, क्योंकि ये ऑफिस में बैठा हुआ था और गेम खेल रहा था, तभी ये देखता है कि जो लेपर्ड यानी कि चीता अंदर घुसता हुआ इसको दिखता है। ये ना ही चीखता है, ना ही कोई आवाज़ निकालता है, ना ही डरता है, चुपके से मोबाइल उठाता है क्योंकि उसमें गेम चल रही है, और बाहर निकलते निकलते गेट बंद कर देता है। और फिर ये बाहर निकलते ही अपने पापा को इन्फॉर्म करता है, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, और फिर ये वीडियो सर्कुलेट की जाती है। कहने को इस बच्चे ने चीता को ऑफिस के अंदर बंद कर दिया था, और फिर बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने आकर इस चीता को वापस वहीं भेज दिया जहां पर ये बिलोंग करता है, लेकिन इस बच्चे की वाहवाही कहने को बनती है। अगर आप गलती से भी इस बच्चे की जगह होती तो क्या आप ये डिसीजन उस टाइम पर ले पाते चुपचाप से? भाई ये जो वीडियो देख रहे हो बड़ी ही गजब न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है कि एक लड़का दूसरे इंदौर के लड़के से प्यार कर बैठता है, तो उस प्यार के चक्कर में वो खुद का जेंडर चेंज करवा लेता है 1 करोड़ रुपए लगाकर, लेकिन बाद में वो जो दूसरा लड़का है वो ब्रेकअप कर लेता है, तो गुस्से में आकर वो उसकी गाड़ी को फूंक देता है। और फिर बाद में जब पुलिस मतलब CCTV फुटेज देखती है तो देखती है भैया ये तो बंदा पकड़ लेती है। लेकिन जो नीचे वीडियो दिख रही है इसके अंदर ये बोल रहा है कि मैंने इसको गाड़ी को आग लगाने के लिए नहीं बोला था, लेकिन पुलिस कहाँ सुनती है और वो उसको लेके जा रही है। अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन आप इस प्यार को क्या नाम दोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई ये वीडियो जब देख रहे हो, ये है AI रोबोट की, जो सऊदी अरेबिया के अंदर मतलब अनवेल यानी कि दिखाया गया था, और तभी जब उसके पास कोई रिपोर्टर आई तो गलती से उसका हाथ गलत तरीके से मतलब हिल गया, तो भाई न्यूज़ के अंदर हर जगह आ गया कि रोबोट ने एक लड़की के साथ मिसबिहेव करा। अब पता नहीं कि उसकी कोडिंग में गड़बड़ी हो गई या गलती से कुछ हाथ वो कुछ और तरीके से कर रहा हो, बट वो वहाँ पर चला गया हो, नो आइडिया अभी तक तो। लेकिन ये कि ये बंदा शुरू होते ही फेमस हो गया इंटरनेट पे। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या ऐसा रियल में हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर कि AI रोबोट्स भी लड़कियों को छेड़ेंगे? क्योंकि अभी तक तो यही न्यूज़ बन रही है कि एक AI रोबोट ने एक लड़की के साथ मिसबिहेव करा। और क्या सोशल मीडिया की मोरल पुलिस भी इसके ऊपर एक्शन लेगी? भाई ये जो वीडियो आप देख रहे हो कि हरियाणा के नू की है, जहाँ पर बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे और वहाँ पर खुले में सबके सामने चीटिंग कराई जा रही है, खिड़कियों पे चढ़कर लोगों को नोट्स दिए जा रहे हैं, चिटे दी जा रही हैं, फर्रे दिए जा रहे हैं, और वो आराम से कर रहे हैं। मतलब जरा सोचो यार, बोर्ड के एग्जाम्स की इतनी घटिया तरीके से मतलब बेइज्जती होना, मतलब क्या ही बोलूं मैं। और इस वीडियो को सर्कुलेट होते ही हर एक बंदे के कान खड़े हो गए, अरे रे रे ये कैसे हो गया, हमको तो पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है। अब कहने को यहाँ पर प्रशासन की गलती है, उनको माननी चाहिए कि भैया उनकी निगरानी में होते हुए भी इतना खुले में चीटिंग, ये सब धड़ल्ले से काम हो रहे हैं, बहुत गलत बात है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ पे क्या एक्शन लेती है, चाहे BJP की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो भी हो, ये बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं और वो फ्यूचर हम सबको इफेक्ट करेगा। भाई ये जो वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर केजरीवाल की नई स्कीम का ऐलान हुआ है कि दिल्ली के अंदर 18 साल से सभी लड़कियों को 1000 रुपये दिए जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। भाई ये एक तरीके से महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो ये हैं कि एक तो लड़की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, दूसरा लड़की की गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, तीसरा लड़की सरकारी पेंशन लेने वाली नहीं होनी चाहिए, और चौथा कि वो लड़की टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो भी फीमेल 18 साल से ऊपर होगी और वो इन 4 शर्तों में नहीं आती होगी, उसको 1000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएंगे। अब ये स्कीम कब से लागू होगी ये तो आने वाले टाइम में बताएंगे, शायद मई जून से ये लोग लागू कर देंगे, लेकिन तब तक देखते हैं कि अप्रूव भी होती है या नहीं। लेकिन इस न्यूज़ के बाद इंटरनेट पे कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स हैं, उन लोगों का पैसा फ्री में लोगों को बांटा जा रहा है। क्या उन लोगों से पूछा गया जिनसे पैसा लिया जा रहा है? ये पैसा लोग जो गवर्नमेंट को देते हैं वो दिल्ली की डेवलपमेंट यानी उस जगह की डेवलपमेंट के लिए देते हैं, ना कि ये फ्री में बांटने के लिए, ताकि जो यहाँ के नेता हैं वो अपने वोट ले सकें। तो क्या ये सही है, क्या गलत है? आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप बताएं, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत लोग टैक्स देते होंगे और आप लोगों का पैसा ही इकट्ठा होकर लोगों में फ्री बांटा जा रहा है इस टाइम।
वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल से पहले फॉलो जरूर करके जाना और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना अपने व्हाट्सएप पर ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं। शुक्रिया, धन्यवाद।